स्टूडेंट्स, जैसा कि हमको पता है प्रत्येक शनिवार को हमारे पास क्विज आती है, तो जो बच्चे पहले ऑलरेडी इस क्विज को खेल रहे हैं वो तो हेलो डाल के उस क्विज को अपने मोबाइल से खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वो मोहल्ला पाठशाला में यदि अध्यापिका हम लोग जब जाते हैं तो हमें कक्षा एक और दो का यदि छात्र या छात्रा मिलती है तो हम उसको ये मोहल्ला पाठशाला में ये क्विज अपने सामने खिला सकते हैं। एक तो इससे क्या है, बच्चा जो है उसको शिक्षा से जुड़ा रहेगा और उसको खेलने में यहाँ पर अच्छा भी लगता है। अब वो मान लीजिए कोई भी बच्चा है, जो मेरे पास बच्चा है, उसको मुझे ये क्विज देखिए यहाँ खुल के आ गई, तो उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ फील्ड्स कुछ भरनी पड़ेंगी, तो मुझे पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पर नाम है गुलनाज और उसका फ़ोन नंबर माता पिता का भी मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहाँ पर उस बच्चे का नाम टाइप करूँगी। देखिए, और उसके माता पिता का मेरे पास ये फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 908। मान लीजिए उसके मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन नहीं है और उनके पास दूसरा वाला सिंपल फ़ोन है, तो मैं उनको अपने मोबाइल से मैं उनको यहाँ पर खेल खिलवा सकती हूँ। अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने पूछा कि अब वो क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ के ये क्विज़ खेलते हैं। देखिए कितनी अच्छी है, इसको तो कभी कभी हमें भी खेलने का मन करता है क्योंकि बहुत अच्छा इसमें है। का और की मिलाकर क्या बनता है, तो जो स्टूडेंट है हमारा वो जो सही शब्द है उसके ऊपर उसको क्लिक करके वो यहाँ पर मार्क करेगा कि तीसरा नंबर क्या बनता है, का और की बनकर काकी। आगे बढ़ेंगे तो ये चित्र दिया है, चित्र से बच्चा पहचानेगा कि ये क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये ताला है, तो हम ताले को यहाँ पर लॉक कर देंगे। इसी तरीके से अब टा वर्ण से क्या चीज़ शुरू होती है, पहले है गाजर, फिर टमाटर और मटर, तो हमको पता है दूसरा वाला जो है वो टा से शुरू होता है, तो हम दूसरे को सही करेंगे। अब ये एक चित्र दिया है, उन्होंने कहा इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस चित्र में नहीं दिख रही। नीचे हमने आपको बादल, देखिए बादल है, फूल, देखिए फूल भी है, सूरज, सूरज नहीं है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं दिख रही, तो सूरज। तो इस तरीके से देखिए, ये एक और नया आया, क्या है ये, देख के बच्चा पहचान सकता है। इस चित्र में दी गई वस्तु को ध्यान से देखिए और वस्तु का नाम लिखिए, तो सबको पता है कि ये कील है, बच्चा भी पहचान लेगा कि ये कील है। और उसके बाद स्कूल का यूडाइस कोड हम यहाँ पर भर सकते हैं, जो हमारे स्कूल का यूडाइस कोड है 9201, क्योंकि मैं अपने स्कूल से खिलवा रही हूँ इस क्विज को, मैं एक टीचर इसको खिलवा रही है करके, ये एक बच्चे का जो है उसने क्विज को पूरा कर लिया और हम इसे सबमिट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारी क्विज जो है वो सबमिट हो जाती है और हम इस तरह से इस क्विज को खेल सकते हैं और बच्चों को इनको खिलाना है हमें।